भाग करना है भाई साहब सात, भाग करना कैसे सात। इस क्वेश्चन को बनाना है विद्यार्थी जी हमको, और बना के हम लोगों को विद्यार्थी जी रिमाइंडर बताना है, शेष फल बताना है कि भाग ये सात से करने पर इन संख्याओं में शेष फल क्या, हमारा शेष फल क्या बचेगा जो हमें मालूम करना। तो बातें बच्चे अच्छी तरह से ध्यान देकर समझेंगे। सबसे पहले विद्यार्थी जी, आप जिस संख्या से भाग दे रहे हो या तो उससे एक ज्यादा या उससे एक कम कोई संख्या पहले सोचिए। मैं दो ही बात बोल रहा हूं, आप जिस संख्या से भाग दे रहे हो उस संख्या से एक ज्यादा या एक कम कोई संख्या सोचो। तो सात से एक ज्यादा आठ होता है और सात से एक कम छह। जो सोचा है तुमने उससे संबंधित यह बात सोचो कि कौन सी संख्या दो के पावर में दिया गया मान में से आता है। तो बोलो ये आठ है क्या, दो का पावर कुछ का मान आठ होता है? दो का पावर क्या का तीन का। अब ये दिए लिखा हुआ क्या है छे, क्या दो के पावर कईयों का मान छे होगा? नहीं। क्योंकि विद्यार्थी जी मैं आपको समझाता हूँ भाई साहब, दो का पावर एक बराबर दो, दो का पावर दो बराबर चार, दो का पावर तीन बराबर आठ, दो का पावर चार बराबर सोलह, दो का पावर पांच बराबर बत्तीस, दो का पावर छह बराबर चौसठ, दो का पावर सात बराबर एक सौ अट्ठाईस, दो का पावर आठ बराबर दो सौ छप्पन, दो का पावर नौ बराबर पांच सौ बारह, दो का पावर दस बराबर दस सौ। इसी तरह से मैं और कुछ संख्या के बारे में कहता हूं विद्यार्थी जी, तीन का पावर एक बराबर तीन, तीन का पावर दो बराबर नौ, तीन का पावर तीन बराबर सताइस, तीन का पावर चार बराबर इक्यासी। ज्यादा का जरूरत नहीं पड़ेगा। और एक संख्या बोलेगा सत का पावर एक बराबर सात, का पावर दो बराबर सात, का पावर तीन बराबर सात, का पावर चार बराबर चौबीस जीरो एक। ये वैल्यू यदि जो आपके दिमाग में दुबला तो जरूर होगा, थोड़ा सा यदि जो अखरखन लगेगा विद्यार्थी जी तो ये सात वाला लगेगा, और बाकी तो तीन वाला भी कोई बड़ी चीज विद्यार्थी जी नहीं। आइएगा सीखिएगा समझिएगा। आइए मैं आपको बताता हूँ, इनको यदि जो एक जोड़ के भाग दिया जाए तो शेषफल सम रहने पर क्या, आप भी सम